बीते दिनों आई अचानक आंधी और तेज बारिश में औपचारिका प्रशिक्षण केंद्र परिसर में पीपल के पेड़ की सूखी डाली बिजली के तार पर टूटकर गिरने से विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई थी। जिला चिकित्सालय परिसर विस्तृत होने के कारण यहां पर कई पुराने पेड़ भी हैं, जिनमें से कुछ पेड़ सूख भी गए हैं तो कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। तेज आंधी में पेड़ों के गिरने से जान माल का काफी नुकसान होता है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए गोरखपुर न्यूज से प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय को चिकित्सालय परिसर के अन्य सूखे और आधे टूटे पेड़ जिनके गिरने का डर बना है अवगत कराया। गोरखपुर न्यूज की बात को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ने सूखे पेड़ों को काटकर उनका मूल्यांकन करने के लिए वन विभाग को पत्र लिखने के लिए विभाग को निर्देश दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, पेड़ सूख गया तो उसकी परमिशन ले लिया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और नुकसानदायक स्थिति में होगा कहीं तार में गिरने की संभावना अगर होगी तो परमिशन लेने के बाद उसको ऑप्शन करवाया जाएगा, नीलामी करवाई जाएगी, नीलामी करवाया जाएगा।